राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि, तो मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि राजकुमार बासु कहता है वेंकटेश से कि तुम्हारी पत्नी तो भार्या है और ना ही वो दुखी है ना ही पीड़ा में है, अंततः ऐसा कौन है जो तुम्हारे लिए तुम्हारी पत्नी भार्या से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्या तुम जिससे प्रेम करते हो वो भार्या नहीं है? और फिर वेंकटेश कहते हैं, ऐसा नहीं है राजकुमार, उसके लिए भी एक विशेष स्थान है इस मन में, किंतु मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो मुझसे सबसे अधिक प्रेम करती है। अर्थात इस संसार में उससे अधिक मुझसे प्रेम कोई नहीं करता। और बताते हैं, प्रेम और विवाह आवश्यक नहीं है कि सदैव साथ आए, क्यों? और फिर राजकुमार बासु कहता है, तुम क्या कहना चाह रहे हो वेंकटेश, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किंतु तुम्हारी बातें अवश्य ही मनोरंजक हैं। मैंने आज तक किसी से ऐसी बातें नहीं सुनी, अच्छा लगा तुमसे मिलकर। तुम्हारा जब तक मन है तुम इस कक्ष में रह सकते हो। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि गोविंदराज अपने कक्ष में होते हैं और वस्त्र बदल लेते हैं और स्त्री की आवाज में कह रहे होते हैं, क्या झंझट है ये, किस घड़ी में कह दिया था मैंने कि मैं श्रीनिवास तुम्हारी सहायता। और फिर देखते हैं अपने आप को, ये मैं कैसी आवाज में बोल रहा हूँ, मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ, हे महादेव, और करो श्रीनिवास की सहायता। तो अब प्रतिदिन लड़की बनकर तैयार होना पड़ेगा। और तभी गोविंदराज कहते हैं, एक क्षण देख लेना चाहिए कि बासु गया है कि नहीं, किंतु यदि वो यहीं हुआ और उसने मुझे इस रूप में देख लिया तब तो सारी योजना ही चौपट हो जाएगी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास गोविंदराज के कक्ष में आते हैं और तभी गोविंदराज के नाक में चोट लग जाती है और कहते हैं, गोविंदराज लो स्वयं श्रीनिवास पधारे हैं, बस यही तो शेष रह गया था, पहले मेरे हाथों में स्त्री के वस्त्र थमा कर मुझे भार्या बना दिया, उसके पश्चात मेरी नाक तोड़कर मुझे शूर्पनखा बनाना चाहते हो ना तुम। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, क्यों इतना क्रोधित हो रहे हो गोविंदराज, क्या गलत किया है मैंने? और फिर गोविंदराज पूछते हैं, पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुमने वो सेवकों वाला कक्ष क्यों चुना, पहले क्या कम समस्याएं हैं हम पर, इतने भारी दिन के पश्चात क्या इस कोमल सैया पर सो भी नहीं सकता मैं? और फिर श्रीनिवास बताते हैं, वहाँ भार्गवी तो है ना, दुखी है, वो भी तो नहीं सो पाई होगी ना गोविंदराज। और फिर गोविंदराज ये सुनकर शांत हो जाते हैं और कहते हैं, पर भार्गवी के साथ तो उमा है, आई है। और कहते हैं, तुम चिंता मत करो श्री, वो उनके साथ अपना दुख बांट लेगी। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, मैं भार्गवी को जानता हूँ, वो अपना दुख नहीं बांटेगी, उसका दुख का कारण केवल अब ये नहीं है कि वो श्रीनिवास पर विश्वास नहीं कर पा रही, उसका विश्वास टूट चुका है, बस ये दुख का कारण नहीं है कि उसका प्रेम से विश्वास उठ चुका है, ये भी कारण है गोविंदराज की, अब उसका अब स्वयं के विश्वास पर भी अपना विश्वास नहीं रहा है। और जो स्वयं पर ही विश्वास ना कर पाए, जो स्वयं से ही प्रेम ना कर पाए, वो किसी और पर क्या विश्वास कर पाएगा? और फिर गोविंदराज कहते हैं, तो तुम क्या करने जा रहे हो? और फिर श्रीनिवास कहते हैं, भले ही भार्गवी श्रीनिवास से घृणा करे, वेंकटेश से प्रेम ना करे, बस स्वयं से प्रेम कर ले, यही चाहता हूँ मैं गोविंदराज। जब व्यक्ति स्वयं से ही प्रेम नहीं कर पाता तो दूसरों को कैसे प्रेम दे पाएगा गोविंदराज? जब वो स्वयं पर विश्वास करेगी, स्वयं से प्रेम करेगी, तभी वो मुझ पर विश्वास कर पाएगी, अभी वो श्रीनिवास से प्रेम कर पाएगी। और मुझे लगता है कि इस सारी प्रक्रिया में कदाचित वो कृष्ण से भी प्रेम कर बैठे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि गोविंदराज कहते हैं, इन सब में वो श्री कृष्ण से कैसे प्रेम कर पाएगी? और फिर श्रीनिवास बताते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस संसार में यदि ऐसा कोई है जो सबसे अधिक स्वयं से प्रेम कर पाया है, जो कि ये कार्य अत्यंत कठिन है, तो वो है कृष्ण, किंतु कृष्ण स्वयं से अत्यधिक प्रेम करते हैं, इसीलिए संसार भर को प्रेम से भर देते हैं, निस्वार्थ भाव से बिना किसी भेदभाव के वो प्रेम करते हैं, जैसे राधा से उन्होंने प्रेम किया, बल्कि राधा से तो उनका विवाह हुआ भी नहीं था, यही मेरा तात्पर्य है। और फिर गोविंदराज कहते हैं, क्या हमारी भार्गवी के साथ भी ऐसा हो सकता है? और फिर श्रीनिवास कहते हैं, ऐसा अवश्य होगा गोविंदराज,
अब आप आगे देखिए, जो प्रेम है उसे प्रेम ही मिलना चाहिए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि देवी पार्वती कहती है, महादेव वेंकटेश ने ऐसा क्यों कहा? जब भार्गवी स्वयं से प्रेम करेगी तभी वो श्रीनिवास और श्री कृष्ण से प्रेम करने में सक्षम होगी। और फिर महादेव कहते हैं, प्रेम संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। जिसे भी प्रेम होता है उसके मन में एक विश्वास जागृत होता है, जिससे वो व्यक्ति असंभव को संभव बनाने की प्रेरणा पाता है। वहीं दूसरी ओर बिना इस विश्वास के व्यक्ति जीने की आशा ही खो बैठता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बार मैं भी अपने प्रेम को खो चुका हूँ तुम्हारे सती रूप में, जब तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति ने उस महायज्ञ का आयोजन किया और मुझे निमंत्रित नहीं किया। तुम्हें लगा कि मेरा अपमान हुआ है, तुमने इसे अपनी व्यक्तिगत पराजय माना। तुम्हें लगा कि तुम्हारे पति का अपमान तुम्हारे कारण हुआ, तुम उस अपमान को रोक नहीं पाई। उसी के फल स्वरूप तुमने उसी यज्ञ की अग्नि में स्वयं को आहूत कर दिया। फिर तुम्हारा पुनः जन्म हुआ पार्वती के रूप में, और तुमने अपने इस जन्म में तुमने सर्वप्रथम स्वयं से प्रेम करना सीखा, और उसी प्रेम ने तुम्हें वो शक्ति प्रदान की। फिर तुमने कठिन तपस्या की जिससे तुम्हें मैं मिला, और फिर हमारा विवाह हुआ। और बताते हैं श्रीनिवास भी भार्गवी को इसी प्रेम की शक्ति का बोध कराने वाले हैं। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, ये तो मैं समझ गई महादेव, किंतु श्रीनिवास ये कार्य कैसे करेंगे? और फिर महादेव कहते हैं, किंतु मैं इस समय इतना बता सकता हूँ कि कल प्रातः काल श्रीनिवास कुछ अत्यंत मनमोहक करने वाले हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी उमा से कहती हैं, मैं पहले स्नान कराती हूँ, उसके पश्चात तुम स्नान कर लेना। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, भार्गवी स्नान कर रही होती है, उनके पैर में कांटा लग जाता है। और तभी वहाँ उमा होती है और कहती है, भार्गवी ताई आप ठीक तो हैं, क्या हुआ? और फिर भार्गवी कहती है, पता नहीं उमा, प्रतीत होता है कि पैर में कांटा चुभ गया है। और बताती है अत्यंत पीड़ा हो रही है। और फिर उमा भार्गवी के पास जाती है और भार्गवी की मदद कर रही होती है। और तभी वेंकटेश छिपकर आ जाते हैं और वस्त्र उठा लेते हैं। और उमा कहती है, ताई नहीं हो पा रहा, मैं एक बार और प्रयास करती हूँ। और वेंकटेश वस्त्र लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और उमा कहती है, ताई अंदर जाकर कांटा निकालना कठिन है, आप किनारे तक पहुँचने का प्रयास कीजिए। किंतु भार्गवी को अत्यंत पीड़ा हो रही होती है और कहती है, भार्गवी नहीं उमा, मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है, मैं किनारे तक नहीं चल पाऊंगी। और फिर तभी वेंकटेश कहते हैं, क्या मैं कोई सहायता कर सकता हूँ? और तभी भार्गवी कहती है, नहीं नहीं, सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है, अब जाइए यहाँ से। और फिर वेंकटेश कहते हैं, अरे आपको सहायता की आवश्यकता है? और उमा से पूछते हैं, क्या हुआ? और फिर उमा बताती है, इनके पैर में कांटा चुभा हुआ है और मैं निकाल नहीं पा रही। और तभी वेंकटेश कहते हैं, तो मैं कर देता हूँ ना। और तभी भार्गवी कहती है, दृष्टि उस ओर करके खड़े रहिए। और कहती है, देखिए एक पर पुरुष स्त्री को ना ही ऐसी अवस्था में देख सकता है और ना ही छू सकता है, आप जाइए यहाँ से। और फिर वेंकटेश कहते हैं, मेरा तात्पर्य ये है कि कल ही तो हमारी भेंट हुई है, आप तो हमें जानते हो। और बताते हांडी फोड़ते समय जब मैं नीचे गिरा था तो आप ही तो आए थे मुझे देखने के लिए बराबर। और कहते हैं, आगे आप देख रहे थे कि मैं ठीक हूँ या नहीं, भार्गवी बराबर है कि नहीं, ऐसा कार्य कोई पर पुरुष के लिए करता है भला? और फिर भार्गवी कहती है, आपका विवाह हो चुका है तो आप मेरे लिए पर पुरुष ही हुए ना, देखिए मेरी विनती है, आप जाइए यहाँ से। और भार्गवी को पीड़ा हो रही होती है और भार्गवी कहती है, आप उस ओर देखिए, मुड़िए मत। और फिर वेंकटेश कहते हैं, अच्छा मैं कार्य करता हूँ, मैं वहाँ पर आऊँगा, नेत्र बंद करके आऊँगा, कुछ नहीं देखूंगा, जल के नीचे जाने के पश्चात मैं नेत्र खोलूंगा बस कांटा निकालने के लिए, तत्पश्चात मैं ऊपर आऊंगा, फिर नेत्र बंद कर लूंगा, अब ठीक है ना? और फिर उमा कहती है, ताई आसपास और कोई है भी नहीं आपकी सहायता करने के लिए। और फिर भार्गवी कहती है, ठीक है तुम निकाल दो कांटा। और फिर वेंकटेश कहते हैं, ठीक है, और अपने नेत्र बंद करके आते हैं नीचे और कहते हैं, चिंता मत कीजिए मैं आ रहा हूँ। और पानी में आ जाते हैं और कहते हैं, कहाँ जाना है मुझे कोई बताएगा? आप लोग हो कहाँ ये तो बताओ ना। और फिर उमा बताती है, अरे अरे दाएं मुड़ो। और फिर भार्गवी कहती है, इतनी पीड़ा नहीं हो रही होती तो इसकी सहायता मैं कभी नहीं लेती। और फिर वेंकटेश कहते हैं, आप चिंता मत करो भार्गवी, आपकी जल्दी ही पीड़ा का अंत हो जाएगा। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।